से आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सेना का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। विभिन्न इलाकों में सेना का यह सर्च ऑपरेशन जारी है। फिरोजपुरा और द्रंग में सेना ने यह सर्च ऑपरेशन चला रखा है। गुलमर्ग हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। गुलमर्ग के नगीन बूटा पथरी में जिस तरह से आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, उसके बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। टंगमर्ग से आपको ये खबर दे रहे हैं, विभिन्न इलाकों में छानबीन की जा रही है, सर्च चलाई जा रही है। फिरोजपुरा और द्रंग में सेना का यह सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। हाल ही में गुलमर्ग हमले के बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है और उसी मद्देनजर ये सर्च ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टंगमर्ग के अलग अलग इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। मुनीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। जी मुनीर, बताएं, बूटा पथरी में हुए हमले के बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए जैस्मिन, आज जैसे 24 तारीख की शाम को जो गुलमर्ग के बूटा पथरी के इलाके में सरहदी इलाके में जो हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेज से, और उसके बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन जो मिलिटेंट की तलाश वो जारी थी, और आज भी अब सातवें रोज भी उन्होंने उस सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। और अब द्रंग जो इलाका है और उसके साथ साथ जो रिहायशी गांव है, फिरोजपुरा है, माहीन है, उन इलाकों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने दायरे में लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और उन मिलिटेंट की तलाश जारी है। जैसा कि SSP ने भी बताया था कि 3 से 4 मिलिटेंट थे जिन्होंने उस बूटा पथरी के इलाके में जो हमला किया था सिक्योरिटी फोर्सेज पे, जिससे कई जाने जो है जाया हुई थी। और अब बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज में SAB है, CRPF है और साथ साथ जो आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां वो मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, सर्च ऑपरेशन को, और ताकि फौरन ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट छुपे बैठे हैं कहीं पे और उनका सुराग लगाया जाए और उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि गुज़श्ता आज 7वां रोज है और इससे पहले बाबा ऋषि में भी सर्च ऑपरेशन जारी था और जो बची जंगलात जो बाबा ऋषि इलाके में है और दूसरे इलाकों में भी जैसे द्रंग है वहां पे भी जंगलात है, बड़े पैमाने पर वसी जंगलात है, उनमें ये कोशिश की जा रही है कि कहां पे ये मिलिटेंट छुपे होंगे और उनका सुराग लगाया जाए और ताकि उन्हें जल्द अज जल्द कैसे किरदार तक। बिल्कुल मुनीर, जो जानकारियां निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इन जंगली इलाकों में ही इस टोपोग्राफी का फायदा ये आतंकवादी उठा रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर एक बार फिर से जंगलात में छुप रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं और इसी के मद्देनजर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। मुनीर, आप नजर बना के रखें।